जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरु चंडाल दोष के बारे में। गुरु चंडाल दोष कैसे बनता है, इसके क्या उपाय करने चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, लास्ट तक बने रहिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं गुरु चंडाल दोष बनता कैसे है। जन्म कुंडली में राहु और बृहस्पति का मेल किसी भी घर में बैठा हुआ हो, एक से लेकर के 12 घरों तक किसी भी घर में राहु और बृहस्पति इकट्ठे बैठ जाए तो आप भी समझ लीजिए आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। या फिर राहु बेहद ज्यादा खराब होकर के गुरु के घरों में जैसे 2, 5, 9, 11 या 12 में जाकर के राहु बहुत ज्यादा खराब होकर के बैठ जाए तब भी गुरु चंडाल दोष जैसे सिम्टम्स जरूर देखने को मिलते हैं। अब इसके क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ऐसे में जैसे ही ऐसे इंसान का जन्म होता है उसके जन्म के बाद से ही उसके घर परिवार वालों की किसी तरह की बदनामियां होना, पिता दादा की या पिता दादा से कोई भी ऐसे कर्म हो जाना जिसके कारण उनको बदनामी का सामना करना पड़े, और साथ ही जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है जिसकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है उसके घर में रुपए पैसे की कमी आती चली जाती है, पैसे को लेकर के बार बार कमी के योग बनते हैं और साथ ही घर का सोना या तो बिक जाता है या गिरवी रखना पड़ जाता है, कोई ना कोई ऐसे हालात जरूर बनते हैं या उसके घर में समृद्धि पूरी तरह से होती ही नहीं है, आए दिन गरीबी जैसे दौर भी ऐसे लोगों को देखने को मिलते हैं। और जैसे ही बच्चा पढ़ाई की उम्र के लायक होता है, जैसे ही 3-4 साल में वो पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसका मन पढ़ाई लिखाई के अंदर लग नहीं पाता। ऐसे बच्चे चाहे छोटी उम्र में, चंद्रमा अगर शुभ अवस्था में तो छोटी उम्र में चाहे ठीक ठाक हो पढ़ने में, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र 16 साल की होगी, 16 से लेकर के जो 21 साल का अरसा रहता है उस दौरान पढ़ाई के अंदर कोई ना कोई ब्रेक लगना या फिर पढ़ाई पूरी होने के बाद उसका पूरी तरह से लाभ मिल ना पाना, ये भी गुरु चंडाल दोष की खराबियों में से सबसे अहम खराबी है कि ये पढ़ाई का सुख मिलने ही नहीं देता, पढ़ाई के लिए बार बार रुकावटें देता है। और साथ ही ऐसे इंसान के गुरु चंडाल दोष वाले को या तो खुद बहुत जल्दी सर्दी जुकाम या खांसी ये सारी चीज़ों की तकलीफ रहती है, और इसमें ये भी संभव रहता है कि उसके पिता या दादा को भी किसी तरह की सांस अस्थमा की परेशानी रही हो। गुरु चंडाल दोष वाले बच्चे या तो अपने दादा को देख ही नहीं पाते या उसकी 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की उम्र तक ही अपने दादा को देख पाते, यानी कि उनके पिता या दादा को किसी भी तरह के, खास करके दादा को 8 या 16 साल की उम्र में शारीरिक कष्ट भी देखने को मिल सकती है। और साथ ही गुरु चंडाल दोष अगर जन्म कुंडली में हो तो घर परिवार का सोना बार बार बिकता है या बार बार गिरवी रखना पड़ता है, घर परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े और कलेश जैसे हालात बनते हैं, रुपया पैसा टिक नहीं पाता पूरी तरह से, और ऐसा इंसान जैसे ही आगे जाकर के कामकाज की तरफ बढ़ता है तो कामकाज के अंदर पहले तो पढ़ाई का फल नहीं मिलता, यानी जो भी पढ़ाई करी है उसके अनुसार आगे काम ना कर पाना, और जिस भी काम के अंदर हाथ डालो उसमें ही दिक्कतें परेशानियाँ रुकावटें ये सारे हालात देखने को मिलते हैं, और साथ ही इंसान जो भी कमा करके अपने में लाता है उसके अनुसार वो बचत नहीं कर पाता, हालात ऐसे खड़े रहते हैं कि बिना वजह पैसे की खराबी होना, पैसा फंस जाना, अटक जाना, ये सारे खराब हालात गुरु चंडाल दोष के दौर में देखने को मिलते हैं। और ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कतें इंसान को तब आती है जब बृहस्पति या राहु की महादशा आ जाए, ऐसे में कहीं इन दोनों में से किसी भी एक ग्रह की महादशा आ जाए और खराब घरों के अंदर गुरु चंडाल दोष जाकर के बना हो तो इंसान घर के अंदर पैसा जोड़ ही नहीं पाता, जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चे लगे रहते हैं, बार बार बदनामियों के योग बनते हैं, ये सारे खराब हालात गुरु चंडाल दोष में देखने को मिलते हैं। और साथ ही शादी के बाद आगे जाकर के ससुराल परिवार के साथ पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग ना बन पाना और घर में पति पत्नी के आपसी लड़ाई झगड़े भी ऐसे में बिल्कुल संभव होते हैं, क्योंकि ये घर की सुख शांति को ही बिगाड़ने का काम करता है, और ऐसा इंसान अपनी मनमर्जी का मालिक होता है, जीवन में बार बार ऐसे हालात बनते हैं कि अपने से ही कुछ ऐसे कर्म हो जाए जिसके कारण बार बार बदनामियां देखने को मिले, चाल चलन खराब हो, किसी भी तरह के खराब हालात बनाता है। तो इन सारी बड़ी परेशानियों से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को धुएं वाले एरिए में, जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो, वहां पे रहने से जरूर बचना चाहिए, या अपना घर किसी भी तरह से इंडस्ट्री एरिया में नहीं होना चाहिए या फैक्ट्रियों वगैरह जहां पे धुआं निकलता है ज्यादा उसके आसपास ऐसे लोगों का घर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसे लोगों को नीले और काले रंग से हमेशा परहेज रखना चाहिए। तीसरा उपाय, अपने घर में जितना भी कबाड़ है, खराब बिजली का सामान, जंग लगा लो, ये सारी चीज़ें घर से बाहर निकाल देनी चाहिए, और ऐसे लोगों को किसी से भी इलेक्ट्रॉनिक सामान मुफ्त में भूल करके भी नहीं लेना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉनिक सामान गिफ्ट भी नहीं लेना चाहिए ऐसे लोगों को। साथ ही
अगला उपाय, एक सुलेमानी हकीक चांदी में लगवा करके उसको या तो अपने गले में पहन लीजिए या उसको अपने सीधे हाथ की सबसे बड़ी उंगली में पहनिए, और साथ ही पहनने के बाद उसको कम से कम 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी से जरूर धोए। अगला उपाय, और साथ ही ऐसे लोगों को 27 दिन लगातार आधा किलो कच्चा कोयला जरूर जलप्रवाह करना चाहिए। मात्र आप ये उपाय करके देखिए, आपको गुरु चंडाल दोष से मिलने वाले जितने भी खराब फल है वो जरूर दूर होंगे, और ऐसे में जो भी गरीबी के दूर है, जो भी परेशानियों के दूर है, या जितने भी पैसे की किल्लत है, ये आपकी जरूर खत्म होगी। इसी तरह से हम और भी विषयों पे बात करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए।